नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संस्कार हेल्थ मंत्र में। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे अर्जुन के पेड़ से होने वाले फायदों के बारे में। जब भी अर्जुन के पेड़ की बात आती है तो लोगों का सबसे पहले ध्यान जाता है हृदय के रोगों पर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हृदय रोगों में अर्जुन की छाल का प्रयोग काफी लाभकारी है। पर आपको बता दें कि हृदय रोगों के साथ साथ अर्जुन का पेड़ और भी कई बीमारियों में लाभ पहुंचाता है। वो रोग कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हृदय रोग की। आचार्य बालकृष्ण जी बताते हैं कि हृदय रोगी 10 से 15 ग्राम अर्जुन की ताजी छाल को कूटकर 200 से 300 मिलीलीटर पानी में पकाएं। जब पानी एक चौथाई बच जाए तो उसे छानकर दूध में मिलाकर सुबह शाम सेवन करें। अगर ताजी छाल न मिले तो सूखी छाल का पाउडर बनाकर 5 ग्राम पाउडर को 1 से 1.5 गिलास पानी में पकाएं। जब पानी आधा रह जाए तब इसमें दूध मिलाकर सेवन करें। इससे हृदय की शक्ति और कार्य क्षमता बढ़ेगी। कुछ लोगों के मुंह के छाले जाते ही नहीं है, उनके लिए भी अर्जुन की छाल बड़ा अच्छा काम करती है। मुंह में छाले हैं, मुंह से बदबू आती है, मसूड़ों में परेशानी है, तो अर्जुन की ताजी छाल को कूटकर काढ़ा बनाकर कुल्ला करें। इससे छाले ठीक होने की संभावना होती है और मुंह का संक्रमण भी ठीक होता है। अगर आपके कान में दर्द बना रहता है तो अर्जुन की कोमल पत्तियों के 4-4 बूंद रस को कान में डालें। इससे कान में होने वाली पीड़ा में लाभ मिलेगा। जिनके चेहरे पर झाइयां, पिंपल्स या दाग हों, वे अर्जुन की छाल को चंदन की तरह घिसकर चेहरे पर लगाएं। इससे आपका चेहरा काफी हद तक निखर जाएगा। जिनको बार बार घबराहट होती है, बेचैनी रहती है, रात को नींद नहीं आती और बीच बीच में नींद टूट जाती है, तो वो लोग अर्जुन की छाल के 5 ग्राम चूर्ण को उबालकर रोजाना चाय की तरह पिएं। इससे घबराहट और बेचैनी में फायदा मिलेगा। हाई बीपी से जो लोग परेशान हैं, अब वो ध्यान से सुने। हाई बीपी वालों के लिए भी अर्जुन दिव्य औषधि है। इसके लिए आप अर्जुन के 5 ग्राम चूर्ण को 200 ग्राम पानी में उबालें। जब वो 50 ग्राम बच जाए तो उसे छान कर पी लें। इससे हाई बीपी और इसकी वजह से होने वाले सिर दर्द में लाभ होगा। हाइपरटेंशन के साथ ही जिनका स्ट्रेस लेवल बढ़ा होता है, तनाव की स्थिति बनी रहती है, उनके लिए भी ये दिव्य औषधि है। जिनको हड्डी की परेशानी है या हड्डी टूट गई है, वे अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाकर नियमित रूप से पिएं। माना जाता है इससे टूटी हड्डी जल्दी जुड़ने की संभावना होती है। जिनके कार्टिलेज घिस गए हैं, हड्डियां घिस गई हैं और हड्डियों में आवाज होती है, तो वो लोग भी अर्जुन की छाल के काढ़े का सेवन कर सकते हैं। जिनको पुराना बुखार बड़ा परेशान करता है, उतरता ही नहीं है, वो लोग 2 ग्राम अर्जुन की छाल, 1 से 2 पत्ती नीम और तुलसी की 1-2 पत्ती को उबालकर काढ़ा बनाकर पिए। इससे पुराने बुखार के साथ ही सर्दी, जुकाम, कफ, खांसी, साइनोसाइटिस और इससे होने वाले बुखार में लाभ होगा। हेल्थ से संबंधित ऐसी ही जरूरी बातों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हेल्दी रहने के टिप्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।